नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होना है, तो उसमें आपके जो जीके जिसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 प्रश्न, वो तो पूछे जाएंगे। तो वो कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं कि यहीं से आपके जो प्रश्न, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ में और भी वीडियो आगे आपके एग्जाम तक आते रहेंगे। तो इसका सोर्स क्या है कि आपका जो प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, पहले हम लोग 2-3 प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है कि अमेरिका बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने गोल्ड रिजर्व के आधार पर देशों की लिस्ट अमेरिका को पहला स्थान दिया है, तो इस लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इस लिस्ट में भारत का स्थान है आपका 9वां। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका अमेरिका, इसको याद रखिएगा। अगला है कि मिलिट्री ताकत के अनुसार रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने अमेरिका को पहला स्थान दिया, इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वो आपका 4था है। इसमें भी जो टॉप पर है वो दोस्तों आपका कौन है? अमेरिका है। इसको तय कौन करता है? इसको तय करता है ग्लोबल फायर पावर, ठीक है। अगला खबर है कि पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो पेप्सिको इंडिया का जो नया सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बनाया गया आपका जागृत कोटेचा को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जागृत कोटेचा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग करें, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह देकर एग्जाम में बैठे जाएंगे, ठीक है। अभी भी आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, आप लोग के पास पर्याप्त समय है, अभी आप लोग और मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिएगा कहाँ? तो टेस्ट बुक पर आप लोग दे सकते हैं, टेस्ट बुक के सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस एग्जामों का पीडीएफ है और वहाँ जो पेपर है उसको भी वहाँ आपको देखने को मिलता है। इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है आपका लव टू लर्न सेल के नाम से, जो कि आपका 16 फरवरी तक चलना है। इस सेल में टेस्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो आपको मात्र 351 रुपये मिलने वाला है। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10 की जगह 12% का ऑफ है, जो कि आज के समय मिल रहा है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में सिलेक्शन पर फुल रिफंड ले जाओ, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फुल रिफंड है जो कि आपको मिल जाएगा। जैसा कि टेस्ट बुक पर आपका SSC का तो मॉक टेस्ट रहेगा रहेगा, साथ में बैंक का भी रहेगा और रेलवे का भी रहेगा, ठीक है। रेलवे का जो वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रहा है, LP का टेक्नीशियन का, पिछला बार जब आपका वैकेंसी आया था तो यहाँ से आपका जो 82,000 ठीक है सॉरी 40,000 प्लस बच्चों ने इससे जुड़ के सिलेक्शन को लिया था और 82% जो क्वेश्चन इसी के टेस्ट बुक के टेस्ट सीरीज देखने को मिले थे। तो आप लोग एक ही मॉक में एक ही पास में सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट को आप लोग क्रैक कर सकते हैं, तो आप लोग को मेल APG कूपन को जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है आपका LIC, इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को कितने श्रेणी में दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है यह आपका टोटल 7 श्रेणी में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 7 है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का लखनऊ के PGI अस्पताल में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका राय बरेली हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न आपका इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो निधन मुनव्वर राणा का निधन हुआ है वो आपके किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक आपके मशहूर शायर थे, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यही प्रश्न पढ़ें, यही प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले, ये कैसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो प्रश्न जो लिया गया है वो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के आधार पर लिया गया है। हालांकि जैसे कि मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था कि एशियाई खेल 2018 है जो कि कहाँ होगा, तो बस 18 की जगह आपके एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा, उसको प्रश्न को प्रतिस्थापित कर दिए, ठीक है। बस इतना ही किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। आपका जो प्रश्न है आपको यहीं से देखने को मिलेगा जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तब, ठीक है। तो आप लोग विश्वास करके वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दिख ही दिया जाएगा। अगला खबर है कि हाल ही में नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में गरीबी रेखा से बाहर निकलने में पहला नंबर किसका है? तो उत्तर प्रदेश का, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है दिया गया आपका लियोनेल मेसी को, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लियोनेल मेसी। अगला है कि नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स यानी कि नासिन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अयोध्या राम मंदिर की मुफ्त यात्रा के लिए किस प्रदेश सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो श्री रामलला दर्शन जो योजना है ये शुरू किया गया आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का जो उद्घाटन है आपका नासिक में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 नासिक इसका राइट आंसर है। अगला है कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश के सबसे लंबी सी ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? तो सी ब्रिज की जो कुल लंबाई है वो आपका 21.8 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि साल 2024 में दुनिया के सबसे
पावरफुल पासपोर्ट में भारत के पासपोर्ट का कौन सी रैंक मिली है? तो भारत के पासपोर्ट का रैंक है आपका 80वां 1 टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि केंद्र सरकार ने किसे रक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल अधिग्रह नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समीर कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारतीय नौसेना के लिए पहली दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप ने, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया है? तो जो फर्स्ट प्राइज है दो लोगों को दिया गया था, एक तो आप दो शहर को दिया गया, एक इंदौर और दूसरा आपका सूरत, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा इंदौर या सूरत आपको क्लिक करना है। अगला है कि हाल ही में किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगा है? किस देश में 110 साल के बाद डॉग मीट पर बैन लगा है? तो इसका राइट आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हाल ही में नियुक्त फ्रांस के पहले गे प्रधानमंत्री ग्रेवियल अटल ने किस पूर्व पीएम की जगह ली है? तो ये आपके जिन कैस्टैक्स की जगह ली है। ठीक है, अगला है कि हॉकी इंडिया यानी कि HI ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आपका हरमन क्रूज को, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अगला है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन के उद्घाटन में किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे? तो इसका राइट आंसर UAE के राष्ट्रपति जो कि चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, अगला है कि हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर फ्रेंच बेकनबाउर का निधन हो गया, वो किस उम्र में हुआ है? तो आपका 78 उम्र में हुआ। ये प्रश्न का स्वरूप आपका अलग भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में जो निधन हुआ है फ्रेंच बेकनबाउर का संबंध किस खेल से है? तो आपका फुटबॉल से है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में भारत के किस ऑयल रिफाइनरी से पहली बार कच्चे तेल के उत्पादन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर कृष्णा गोदावरी बेसिन रिफाइनरी। ठीक है, अगला है कि बांग्लादेश के आम चुनाव 2024 में पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद में कितने सीटें जीती हैं? तो 204 सीटें जीती हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में भी प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है और पहले भी आपके शेख हसीना ही थी। अगला है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शमी को भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। अगला है कि गोल्डन ग्लोव्स अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म को दिया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला है गुजरात के पहले हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उज्जैन में हुआ है। अगला है कि सेंट्रल इंडिया में पहली बार किस अस्पताल ने ड्रोन से दवाएं भेजने की सुविधा शुरू की है? तो ड्रोन से दवाएं भेजने की सुविधा आपका एम्स भोपाल के द्वारा शुरू किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2020-21 में विजय हजार ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो 2020-21 में जो विजय हजार ट्रॉफी है आपका मुंबई के द्वारा जीता गया है, तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अगला है कि दिसंबर 2023 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं अभी वर्तमान में डी राजा हैं। ठीक है, अगला है कि 25 जून 2015 को डैश लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर राधा श्रीधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला है कि नवंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का उपराज्यपाल है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश ने 2023 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी आपका थाईलैंड के द्वारा किया गया है 2023 में, तो इसका राइट आंसर आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर अमर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने किया है? तो फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है आपका कतर के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कतर। ठीक है, इसके अलावा इसका जो विजेता बना है वो कौन बना है? तो विजेता बना है आपका अर्जेंटीना बना था विजेता, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता आपका बना था फ्रांस। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अनुराग ठाकुर आपका खेल एवं संचार मंत्री है। इसके अलावा मनसुख मंडावी आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू क्या है? तो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है कि अक्टूबर 2023 में मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है बी डी मिश्रा जी ने, तो ऑप्शन नंबर 2
इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है मई 2023 के प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो इसका राइट आंसर 395 हो जाएगा, क्योंकि आपका 395 अनुच्छेद ही अंतिम है, 396 नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर मिलिना सालवनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला है कि निम्नलिखित में कौन फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं नंद किशोर यादव को, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नंद किशोर यादव। अगला है कि मई 2023 से नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो नीति आयोग के सीईओ ने कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में श्री वीवीआर सुब्रमण्यम ने आपका पदभार संभाला है, तो इसका राइट आंसर है। वहीं पर नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक आपका उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपके सुमन बेरी जी हैं, और सीईओ तो आपके यही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है आपका हांगजू चीन में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगजू चीन। भारत की बात करेंगे तो भारत टोटल 107 मेडल है जो कि अपने नाम किया था इस खेल के दौरान। अगला है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2023 का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो 37वां संस्करण की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ठीक है। इसके अलावा विजेता की बात करेंगे तो विजेता आपका महाराष्ट्र बना था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, 24 की स्थिति के अनुसार, तो इसका राइट आंसर आपका योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री आपके यही हैं। अगला है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजस्व सचिव के रूप में आपका नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत के अगला मान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है ये भी आपके आर वेंकट रमनी जी हैं, आपके 16वां अटॉर्नी जनरल है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है एशियाई खेल 2023 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। अगला है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका मंजमा जोगोती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। अगला है वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में सामंत गोयल आपके राइट आंसर हो जाएंगे सामंत गोयल। अगला है नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं, तो इसका राइट आंसर आपके आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर चार। अगला है कि वर्तमान में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विनीत जोशी जी को, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दो होगा। अगला है कि नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर थ्री। अगला है कि नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो पशुपति कुमार पारस, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर दो। अगला है कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल की मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, मलेशिया, ठीक है। अगला है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका राइट आंसर आपका सुरेश एन पटेल यानी सुरेश पटेल, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर है। अगला है कि फरवरी 2024 तक भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में, तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। विधान परिषद का मतलब है विधान परिषद को आप लोग राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं, जिस प्रकार केंद्र में आपका 2 सदन है, आपका संसद का 2 सदन है लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल है वहाँ का 2 सदन है विधान परिषद विधानसभा, तो विधान परिषद आपका मात्र 6 राज्यों में, बाकी विधान सभा है जो कि आपके भारत के सभी राज्यों में है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, वहीं 2 केंद्रशासित प्रदेश में आपकी विधानसभा है जम्मू कश्मीर में और आपके कहाँ थे तो पुडुचेरी में, सॉरी दिल्ली और पुडुचेरी में था, ठीक थोड़ी सॉरी है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।